नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और ये प्रतिक्रिया आई है उनकी फेसबुक पर। आधी रात की बर्खास्तगी हैरान कर देने वाली है, उसमें इन्होंने कहा है कि आधी रात के वक्त निकालने के फैसले पर मुझे हैरानी हुई है। ये लिखा था कि पहले ये होना ही था, आरोप लगाने वाले जज ही थे, जो हुआ अच्छा हुआ। कई दिन की थकान थी, सोचा था आज रात जल्दी सो जाऊंगा, तभी घर में लैंडलाइन फ़ोन बजा, सो कभी कभार बजता है। देख, आधी रात में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, अनिष्ट की आशंका हुई। फ़ोन एक टीवी चैनल से था, आपको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है, आपका फ़ोन लेना है, आगे क्या करेंगे, पार्टी कब बनाएंगे। खबर अप्रत्याशित नहीं थी, पिछले कई दिनों से के इशारे साफ थे। जेब से 28 तारीख की मीटिंग का वाकया हुआ है, तब से किसी बात का भी धक्का नहीं लगता। अनुशासन समिति के रंगन से जाहिर था जिस फैसले की तैयारी हो चुकी थी। अगर आपको घसीटकर आपके घर से निकाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बस कुछ वैसा ही लगा। गुस्सा आता है कि ये कौन होते हैं हमें निकालने वाले, कभी मुद्दई भी खुद जज हो सकते हैं। घर में सब याद आता है जो पीछे छूट गया। केएल सहगल गूंज रहे हैं, बाबुल मारो नहर छूटो ही जाए। ये तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं योगेंद्र यादव ने, लिखा है लंबा चौड़ा उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया है। हो सकता है कि हम उन्हें दुआ देंगे जिन्होंने हमें सड़क पर लाकर नया रास्ता दिखा दिया। बच्चन की पंक्तियां गूंज रही थी, नील का निर्माण फिर।